हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? ये देखिए, ये कम से कम 15 दिन पहले मैंने 15-20 दिन हो गए होंगे मैंने ये क्रोटोन की कटिंग लगाई थी। मैंने एक भी पत्ता इसका नहीं छोड़ा था, सारे पत्ते रिमूव करके मैंने ये कटिंग लगाई थी। तो ये 2 पत्ते निकले हैं फ्रेंड्स, और इतने बड़े हो गए हैं। तो मैंने अंदाजा लगाया कि क्या पता इसकी ग्रोथ हो गई हो, जड़ें निकल गई हो। और ये देखिए, मैंने एक पत्ता भी लगाया था, पत्ते तो मैंने कई लगाए थे लेकिन सारे पीले होके खराब हो गए, एक पत्ता ये सही है। मैंने सोचा कि देखूं इसमें भी जड़ निकलती है कि नहीं, तो मैंने इसको लगाया है। इसको अभी नहीं देखेंगे, शायद इसमें थोड़ा टाइम लगे, लेकिन इसको मैंने सोचा कि आज इसको रिपोर्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसमें जड़ें आई हैं कि नहीं आई हैं। चलिए चेक करते हैं, इसमें लगाऊंगी मैं इसको। चलिए चेक करते हैं धीरे धीरे। इसको हल्के हाथों से बैग से निकालेंगे इसको। देखिए फ्रेंड, ये देखिए, मैं बहुत डरते डरते मैंने यहाँ की मिट्टी हटाई है कि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि इसमें जड़ें आई हैं कि नहीं आई हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है कि कहीं मेरा प्लांट ये खराब ना हो जाए, लेकिन फिर भी मैंने रिस्क लिया। ये देखिए कितनी अच्छी जड़ें आई हुई हैं। ये देखिए, चारों तरफ बहुत अच्छे से जड़ें आई हुई हैं। अब इनको हम लोग रिपोर्ट करते हैं, अच्छे से लगा देते हैं। ये देखिए, लगा दिया मैंने। अब इसमें वाटरिंग कर देंगे, और देखिए इसमें कुछ खराबी ना हो भगवान की कृपा से, और मेरा ये प्लांट चल जाए बढ़िया से, बड़ा सा मेरा क्रोटोन का प्लांट हो जाए। पत्ते तो इसके बहुत ही अच्छे निकले हुए हैं, शाइनी निकले हुए हैं। आप लोग भी ऐसे ही कटिंग लगाइए, बहुत जल्दी कटिंग चलने लगती है, 15-20 दिनों में फ्रेंड्स कटिंग तैयार हो जाती है। और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने लगते हैं और कटिंग हमारी लग के तैयार हो जाती है। तो आप लोग भी जो भी प्लांट आपके पास नहीं है उसकी कटिंग लगाइए और एक पौधा तैयार